छोड़ तो नहीं हो रहा तो नीचे ही लिख देते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा, छोड़ दो। यहाँ दिख रहे बाबू? यस सर, यस सर, यस सर। एक एग्जांपल मैंने लिखा, ही शुड ड्रिंक मिल्क। और दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ही शुड हैव ड्रंक मिल्क। ठीक है, दिख रहा है दोनों? नो सर, नहीं दिख रहा है? नो सर, अब दिख रहा है ना? यस यस सर। हाँ, चलिए ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों सेंटेंसेस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या, ये देखिए, ये पॉइंट जो हम सर्कल कर रहे हैं इसको गौर से देखने की जरूरत है। ये पॉइंट में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर क्या है कि शुड प्लस वी वन का कॉम्बिनेशन है। यस सर, यहाँ शुड यस प्लस सर, वी वन का कॉम्बिनेशन है, यहाँ शुड हैव वी थ्री का कॉम्बिनेशन है। और मॉडल ऑक्सिलरी फॉर्म में टोटल दो तरह फॉर्मेट में आपको सेंटेंस मिलेंगे। एक फॉर्मेट होगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी वन का, जैसा कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी वन का, यानी ये सेंटेंस जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी वन के कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है। और यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस हैव प्लस बी थ्री के पैटर्न पर बेस्ड है, यानी ये दूसरा वाला। अब इन दोनों सेंटेंसेस को अगर पैसिव में चेंज करना है तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी वन का कॉम्बिनेशन हो तो ये फॉर्मेट अप्लाई करते हैं, यानी अगर इस सेंटेंस को पैसिव बनाएंगे तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि मिल्क, सबसे पहले मिल्क लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिप्लेस हो जाता है। यस सर, मिल्क शुड बी ड्रंक बाय हिम, हो जाएगा। यस सर, यस सर, और अगला जो सेंटेंस है, ही शुड हैव ड्रंक मिल्क, उसको हम लोग इस फॉर्मेट पर ले जाएंगे। तो इस फॉर्मेट पर ले जाएंगे तो सबसे पहले आपको लिखना होगा फिर से सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मिल्क लिख दिए हैं। यस सर, मिल्क के बाद क्या लिखना होगा? शुड शुड हैव शुड। शुड बीन के बाद क्या लिखना है? शुड हैव। प्लस हाँ, शुड हैव बीन बी ड्रंक थ्री, बाय हिम। हाँ, यानी इसका आंसर आ जाएगा मिल्क शुड हैव बीन ड्रंक बाय हिम। समझ गए हैं? तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पर बेस्ड दो तरह के आपको सेंटेंसेस मिलेंगे। एक का फॉर्मेट होगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी वन और दूसरे का फॉर्मेट होगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैव प्लस बी थ्री। करेक्ट। यस चलिए इसको नोट कीजिए। हो गया? यस सर, यस सर, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, और फिर हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव में जिसको पैसिव में चेंज करते हैं तो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता है। और उसमें हम लोग कई एग्जांपल देखे थे। एक हम लोग एग्जांपल देखे थे कि अगर किसी सेंटेंस में प्रोफेशन शो हो अगर सब्जेक्ट का, तो उस केस में प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट नहीं होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरीवन, एनीवन, नो वन, समबडी, इस तरह से करके हो तो भी प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखना होता है कि अगर जो सेंटेंस आपका एक्टिव का निगेटिव में हो तो पैसिव बनाते वक्त आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ना होता है ना? उसके बाद में कोई भी ऐसा वर्ड यस जो गैदरिंग को कोई भी ऐसा वर्ड जो गैदरिंग को डिनोट करता हो, जैसे पीपल हो गया, क्राउड हो गया, पेयर हो गया, ऑडियंस हो गया, स्पेक्टेटर्स हो गया, इस तरह के प्रोसेशन हो गया। प्रोसेशन का मतलब समझते हैं? प्रोसेशन मतलब समझते हैं कोई? PROCESSION। प्रोसेशन का मतलब जुलूस, होता है बारात, जुलूस, यस सर, जुलूस, है ना? तो इस तरह के जो गैदरिंग को डिनोट करते हैं उसमें प्रीपोजिशन
प्लस ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता है। और बस इतना ही रूल हम लोग शायद पढ़े थे, दे वी का रूल पढ़े थे कि अगर सेंटेंस में दे और वी का यूज हो तो प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि बाय देम और बाय अस, आप पर डिपेंड करता है आपको मेंशन करना है या नहीं मेंशन करना है। यहीं तक क्लास हुआ था? यस सर। यस सर। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस को देखते हैं जिसमें कि प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट होता तो है लेकिन प्रीपोजिशन बाई नहीं होता है बल्कि कुछ और होता है। मिटा दे इसको। अभी तक हम लोगों ने जितने भी ये सेंटेंसेस पढ़े हैं उन सारे सेंटेंसेस में प्रीपोजिशन क्या होता था? बाई बाई बाई। अब हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंसेस को देखते हैं जहां पर प्रीपोजिशन बाई ना होकर के कुछ दूसरा प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा। अब इस कड़ी में जो सबसे पहला हम लोग एग्जांपल देखते हैं, जैसे बात करते हैं कि ये एक लड़का है आप ही का यहाँ बैठा हुआ है आयुष हैज मैरिड सुनैना। सुनैना का कुछ जानते हैं आप लोग? नहीं ना कोई, इसीलिए ऐसा नाम रखे है, कोई नहीं ना इस तरह का नाम बोला। तो अगर यहाँ एग्जाम्पल हम लोग देखे हैं कि लिखा हुआ है कि आयुष हैज मैरिड सुनैना, यानी आयुष ने सुनैना से शादी की है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि इस सेंटेंस में ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन, ये है हमारा सब्जेक्ट और सुनैना हो गई हमारी ऑब्जेक्ट। अब फिर से एक दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, सुनैना हैज मैरिड आयुष। दोनों सेंटेंसेस अप्रोक्स सेम है, फर्क दोनों में क्या है कि एक बार आयुष सब्जेक्ट है और एक बार सुनैना सब्जेक्ट है, एक बार सुनैना ऑब्जेक्ट है और दूसरी बार आयुष ऑब्जेक्ट है। यही ना डिफरेंस है दोनों में? यस सर। सर यानी कि अगर आयुष ने सुनैना से शादी की है तो इसका मतलब ये हुआ कि सुनैना ने भी आयुष से शादी की है। दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस बस इतना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज हो गया है। दोनों के दोनों सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में क्यों है? क्योंकि हम लोग देख सकते हैं हैज प्लस वी थ्री का कॉम्बिनेशन है। किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को जानने के लिए ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि आप सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फॉर्म को चेक कीजिए। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म को जैसे ही चेक करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि वो कौन से पैटर्न पर बेस्ड है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हैज का यूज किया गया और उसके साथ मैरिड यानी वी थ्री का यूज किया गया है, और has have प्लस वी थ्री का कॉम्बिनेशन जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट का होता है, पता है ना? यस सर। बोलिए। और प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव होता है कि पैसिव होता है? एक्टिव। एक्टिव यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो दोनों गिवन सेंटेंसेस है वो प्रेजेंट परफेक्ट के हैं और एक्टिव वॉइस के हैं, कह सकते हैं? यस सर। अब दोनों सेंटेंसेस को अगर पैसिव में बनाना होगा तो सबसे पहले हम लोग इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले हमें लिखना होगा सुनैना, लिखना होगा ना। सब्जेक्ट क्या स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट का? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन 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 प्लस वी थ्री प्लस वी थ्री, यानी लिखना है सब सब सब्जेक्ट हैज हैव बीन वी थ्री। तो सुनैना के साथ हैज या हैव? हैज। तो लिख सकते हैं सुनैना हैज बीन मैरिड। मैरिड लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। और इस सेंटेंस को बनाना होगा तो क्या लिखेंगे? आयुष हैज बीन मैरिड। लिख सकते हैं? यस सर। सही है, लिखो मत, सुनो जा ए लड़का, लिखो मत। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों सेंटेंसेस को जब पैसिव में बना रहे हैं तो एक का आंसर हो रहा है सुनैना हैज बीन मैरिड और दूसरे का आंसर आ रहा है आयुष हैज बीन मैरिड। यहाँ तक नहीं कोई दिक्कत? नो सर। अब हमको क्या, अब हमें क्या करना है कि क्या रूल है कि वर्ब थ्री लिखने के बाद, वी थ्री लिखने के बाद अगर कॉम्प्लीमेंट ना हो तो हमें प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना होता है, करेक्ट? यस। बोलिए।
यस सर। वी थ्री लिखने के तुरंत बाद हमें लिखना होता है प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। अब प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट लिखना होता है, तो यानी यहाँ पर एक प्रीपोजिशन लिखेंगे और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आयुष हो जाएगा, और यहाँ पर एक प्रीपोजिशन लिखेंगे और ऑब्जेक्ट हो जाएगी सुनैना। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। नियम क्या होता है कि जो प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं उसमें जनरली मोस्टली केसेस में प्रीपोजिशन होता है बाय, होता है ना? यस सर। यस सर। लेकिन मैरिड एक ऐसा वर्ब है, मैरिड एक ऐसा वर्ब है, यानी मैरी का ये भी थ्री फॉर्म है, मैरिड एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ प्रीपोजिशन बाय का यूज नहीं किया जाता है। मैरिड के साथ प्रीपोजिशन यूज किया जाता है टू और विथ। क्या क्या यूज करते हैं? टू और विथ। दो ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन है टू का और दूसरा ऑप्शन है विथ का। यानी मैरिड के तुरंत बाद आपको कभी भी बाई का यूज नहीं करना होगा। क्या यूज करेंगे आप? या तो टू यूज करेंगे या फिर विथ यूज करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। इसमें क्या लगेगा? तो अब देखना है कि टू के बाद अगर गर्ल है तो विथ का यूज करते हैं, विथ अ गर्ल एंड टू अ बॉय। अब शादी जब होती है तो या तो किसी लड़के से होती है या किसी लड़की से होती है, करेक्ट? शादी जब भी होती है तो या तो किसी लड़की से या किसी लड़के से। यहाँ शादी किससे हुई है, लड़की से या लड़का से? लड़के से। लड़के से। लड़का से, क्योंकि आयुष एक लड़का है और जब भी लड़का होगा तो प्रीपोजिशन क्या यूज करते हैं, टू या विथ? टू। टू, यानी इस सेंटेंस में यूज करना है आपको टू। और जो दूसरा सेंटेंस है उसमें किससे शादी हुई है? सुनैना से। और सुनैना क्या है, लड़की या लड़का? लड़की। सुनैना क्या है? लड़की। तो जब लड़की हो तो उसके लिए प्रीपोजिशन क्या यूज करते हैं? विथ। यानी यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा विथ। तो क्या समझे हम लोग इसमें? आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि आपका पैसिव का सब्जेक्ट क्या है वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट कोई लड़की है तो उसके लिए विथ यूज करना है, ऑब्जेक्ट कोई लड़का है तो उसके लिए टू यूज करना है। समझ गए? यानी कुल मिलाकर कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर जब भी मैरिड हो तो मैरिड अगर जब भी होता है तो उसके साथ दो प्रीपोजिशन यूज करते हैं, एक टू और दूसरा विथ। टू अ बॉय और विथ अ गर्ल। समझ में आया? Yes, समझ गए? यस सर। चलिए तो ठीक है, नोट कीजिए। हाँ ऋषि टहल रहा है, हो जाएगा तो बोलेंगे। सर हो गया। हो गया सर। हो गया। ओके ओके ओके। अभी हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो जहां पर प्रीपोजिशन बाय का यूज ना हो करके कोई दूसरा प्रीपोजिशन यूज किया जाए, वही टॉपिक हम लोग टर्म पढ़ रहे हैं अभी, है ना?
अब फिर से एक दूसरा वर्ब हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो भी प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, जैसे हम लोग मैरी का एग्जांपल देखे हैं, तो मैरी के साथ, मैरी के बारे में एक और बात गौर से देखिएगा, मैरी अगर एक्टिव वॉइस में यूज किया जाए, जैसे मैंने लिखा था आयुष हैज मैरिड सुनैना, यही ना सेंटेंस था? यस सर। अब ये कौन सा वॉइस है, एक्टिव है या पैसिव है? एक्टिव। तो रूल क्या है कि अगर मैरी का यूज एक्टिव में हो तो उसके साथ प्रीपोजिशन नहीं यूज होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज किया गया है क्या? नो सर। नो सर। यानी क्या रूल है कि अगर मैरी एक्टिव वॉइस में यूज हो, मैरी अगर एक्टिव वॉइस में यूज हो तो उसके साथ प्रीपोजिशन यूज नहीं किया जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर सुनैना से पहले कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं किया गया बिकॉज ये एक्टिव वॉइस है, लेकिन मैरी का यूज जैसे ही पैसिव में हो तो उसके साथ प्रीपोजिशन यूज जरूर किया जाता है अगर ऑब्जेक्ट हो तब, है ना। तो ऑब्जेक्ट हो तो प्रीपोजिशन दो था, एक टू और एक विथ, ये नोट में एक नहीं होता तो लिख लीजिए, नो प्रीपोजिशन इज यूज्ड विथ मैरी इन एक्टिव वॉइस, नो प्रीपोजिशन इज यूज्ड विथ मैरी इन एक्टिव वॉइस। सर आवाज क्लियर नहीं, नो प्रीपोजिशन, अच्छा अच्छा आवाज क्लियर नहीं है, नो प्रीपोजिशन इज यूज्ड, अब आ रही आवाज? यस, अभी आवाज आ रही है क्या? नो प्रीपोजिशन इज यूज्ड विथ मैरी इन एक्टिव वॉइस, हो गया? यस सर। चलिए तो अब देखते हैं अगला सेंटेंस, ही सेटिस्फाइड मी, कहां पे बाबू? सेकेंड, ये वाला, ये कह रहे हो? यस सर। हिज वर्क सेटिस्फाइड मी। अब इन दोनों सेंटेंसेस को देख रहे हैं तो एक जगह लिखा हुआ ही सेटिस्फाइड मी और दूसरा जगह हिज वर्क सेटिस्फाइड मी। हम लोग जानते हैं कि इन दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा, कि एक सेंटेंस में क्या है कि वो कोई लड़का है जो मुझे सेटिस्फाई कर दिया अपनी बात से, अपने काम से, कुछ भी हो सकता है। सेटिस्फाई यहाँ पर कौन किया है, इस सेंटेंस में सेटिस्फाई कौन किया है? ही, यानी ये एक ह्यूमन बीइंग है ना? यस सर। यस सर। यानी कि ये क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग है, ये भी कह सकते हैं? यस सर। यस सर। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, हिज वर्क सेटिस्फाइड मी, यहाँ पर कौन सेटिस्फाई किया है? हिज किया है, हिज वर्क, यानी हाँ वर्क किया है, यानी ये हो गया नॉन लिविंग, हो गया ना? यस सर। चलिए अब हम लोग पैसिव बनाते हैं, तो पैसिव बनाते हैं तो क्या नियम है कि स्ट्रक्चर जानने के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म के कॉम्बिनेशन को देखते हैं। तो यहाँ पर तो कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, सीधा सीधा वर्ब फॉर्म है, और कौन सा वर्ब फॉर्म है, ये वी टू भी है और वी थ्री भी है, सेटिस्फाइड। तो चूंकि इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए ये वी थ्री नहीं हो सकता है, यानी कि सेटिस्फाइड क्या है, वी टू है, वी टू सेटिस्फाइड क्या है, वी टू है, यानी कि पास्ट निफ्रिट है, और पास्ट निफ्रिट के पैसिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस वी थ्री होता है, यानी इसका जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा आई वॉज सेटिस्फाइड। देखिए तो सही लिखा हुआ है, ये होगा आंसर, आई वॉज सेटिस्फाइड, नो सर। एक मिनट, क्या कह रहे हो? वर्ब फोर आए, पैसिव में वर्ब फोर लगता है जी, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है, आप बोलने दीजिए मुझे, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है? यस सर। और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है?
सब्जेक्ट प्लस इनफिनिटिव के पैसिव प्लस प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज नाउन प्लस वी थ्री यही होता है ना. यस सर. यस सर. तो मैंने क्या गलत लिखा है? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वी थ्री सही है ना? यस सर. क्या गलती है? रुको एक मिनट, ये बोल रहा है क्या गलत है? तो क्या इस गर्दन नहीं ला रहे हो? ये जो आंसर लिखा हुआ आई वाज सेटिस्फाइड, ये एब्सोल्युटली सही आंसर है. सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वी थ्री का कॉम्बिनेशन है. अब नीचे वाले सेंटेंस को बनाते हैं पैसिव. तो जब नीचे वाले को पैसिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? फिर से वही आंसर हो जाएगा, आई वॉज सेटिस्फाइड. हो जाएगा? Yes, हो जाएगा. Yes, sir. अब देखिए यहाँ पर रूल के हिज वर्क नहीं हो. क्या नहीं होगा? अरे होगा होगा, अपनी पोजीशन पर है. अभी थोड़ी देर पहले हम लोग मैरी का एग्जांपल समझे थे. Yes, कुछ देर पहले हम लोग मैरी का एग्जांपल समझे थे. Yes, sir. तो उसको भी तो इसी तरीके से बनाए थे ना, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट का जगह छोड़ दिए थे शुरू में. Yes, sir. छोड़ दिए थे. तो ठीक उसी तरह से छोड़ रहे हैं अभी, बाद में फिर बनाएंगे ठीक ना. तो एक सेंटेंस का आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पर आई वॉज सेटिस्फाइड, क्या मैंने फुल स्टॉप दिया हुआ है? नो सर. इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में फुल स्टॉप है? नो सर. यानी सेंटेंस इनकम्प्लीट है, आपको समझाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ. समझ गए? तो आई वॉज सेटिस्फाइड दोनों का आंसर होगा. अब बच गया ऑब्जेक्ट लिखना. तो रूल क्या होता है कि अगर देखिए यहां पर लिविंग और नॉन लिविंग हम दोनों मेंशन किए हुए हैं ठीक है, उसका क्या फंक्शन है वो आप समझा रहे हैं. आई वॉज सेटिस्फाइड. अब रूल क्या है कि अगर आपका भाव सेटिस्फाइड हो तो उसके साथ प्रीपोजिशन लगाया जाता है विथ. दोनों केस में, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, अगर आपका भाव सेटिस्फाइड हो तो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, दोनों केस में प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे? विथ. यानी इसका आंसर हो जाएगा आई वॉज सेटिस्फाइड विथ हिम. हो जाएगा? Yes, ये देखिए ये हमारा प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ हो जाएगा आई वॉज सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क. अब देखिए फुल स्टॉप भी दे दिए. ये बात समझ में आई? Yes, sir. क्या समझे हम लोग कि अगर हमारा सब्जेक्ट सॉरी अगर हमारा वर्ब सेटिस्फाइड हो तो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, दोनों ही केस में हम लोग क्या यूज करते हैं? विथ प्रीपोजिशन का. चलिए नोट कीजिए, विथ नोट कीजिए. सर. हाँ जी सर, एक बार फिर से बताइए ना, हम लोग दोनों सेंटेंस में विथ का यूज क्यों किया? क्योंकि सेंटेंस देखिए प्रीपोजिशन जो भी यूज किया जाता है वो अकॉर्डिंग टू वर्ब यूज किया जाता है. यहाँ पर आपको हम लिविंग और नॉन लिविंग लिख कर दिखाए हैं, लेकिन लिविंग या नॉन लिविंग में से कोई भी हो दोनों केस में सेटिस्फाई के साथ विथ का यूज किया जाता है. अगला जो हम लोग वर्ड पढ़ेंगे वहां पर लिविंग और नॉन लिविंग के केस में प्रीपोजिशन चेंज हो जाता है. तो यहां हम आपको ये दिखा रहे हैं कि अगर आपका वर्ब सेटिस्फाई हो तो लिविंग नॉन लिविंग दोनों ही केस में विथ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, समझे? लेकिन अगला जो हम लोग वर्ब पढ़ेंगे उसमें लिविंग के केस में अलग प्रीपोजिशन हो जाएगा और नॉन लिविंग के केस में अलग प्रीपोजिशन हो जाएगा. इसीलिए यहां डिफरेंशिएट किए हम कि आपको यह समझना है कि अगर सेटिस्फाइड हो वो तो लिविंग नॉन लिविंग दोनों ही केस में विथ का यूज किया जाएगा. एक और बच्चा कुछ क्वेश्चन कर रहा है, बोलो. मास्क
एक तो पहने हो ऊपर से सिर थी गर, बोलो हटाओ वहां से आप, बोलो यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या है? हिज वर्क है, बोलिए। यस सर। यस सर। तो जब इसको पैसिव में ले जाएंगे तो ये सब्जेक्ट की जगह क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यस सर। और हिज वर्क का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिज वर्क होगा, चेंज होता है आई मी में, मी आई में, यू यू देखो लिखवाए हुए हैं, ही हिम, ही का हिम होता है, हिम का ही होता है, हिज नहीं चेंज होगा। समझ गए? अब देखिए एक दूसरा, आप लोग एक वर्ड सुने होंगे पी एल ई ए एस ई, ये वर्ड सुना है आपने? पी एल ई ए एस ई सुने हैं? यस यस। प्लीज, प्लीज का एक सिंपल सा मतलब होता है कृपया, पता है? प्लीज का मतलब होता है कृपया, और प्लीज का एक दूसरा मतलब भी होता है, क्या वो जानते हैं कोई? खुशी वाला नहीं जान। हाँ, प्लीज का एक दूसरा मतलब होता है खुश होना या खुश करना। प्लीज मतलब एक मीनिंग होता है कृपया, और एक मतलब होता है खुश, दोनों का स्पेलिंग सेम होता है, खुश करना या खुश होना। अब आप ये बताइए कि प्लीज का मीनिंग अगर कृपया हो तो क्या वो एक्शन वर्ड हो सकता है? नो सर। प्लीज का मीनिंग अगर खुश करना हो तो क्या वो एक्शन वर्ड हो सकता है? yes, यानी हम लोग कह सकते हैं कि प्लीज का मीनिंग अगर कृपया हो तो ये एक्शन वर्ड नहीं है, लेकिन प्लीज का मीनिंग अगर खुश करना हो तो ये एक एक्शन वर्ड है, करेक्ट? यस सर। यस सर। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ सेम सेंटेंस में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे रहे हैं, ये सेटिस्फाइड हटा दिए यहाँ से भी, ये सेटिस्फाइड हटा दिए यहाँ से, और इस केस में यहाँ लिख दिया ही प्लीज्ड मी, और यहाँ क्या लिख दिया, हिज वर्क प्लीज्ड मी। इन दोनों सेंटेंसेस को देखिए, अब पहला क्या है, ही प्लीज्ड मी, और दूसरा सेंटेंस है हिज वर्क प्लीज्ड मी, यानी फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा कि वह मुझे खुश कर दिया, हो जाएगा, वह मुझे खुश कर दिया, उसका काम मुझे खुश कर दिया, है ना। इसके पहले था कि वह मुझे संतुष्ट कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, उसका काम मुझे सेटिस्फाई कर दिया, यहां पर है कि वह मुझे खुश कर दिया, या और यहां पर है कि उसका काम मुझे खुश कर दिया। अब फिर से लगभग सेंटेंसेस सेम है, सेंटेंसेस सेम है, और जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो फिर से वही आंसर होगा, आई वॉज, यहां पर सेटिस्फाइड की जगह हो जाएगा प्लीज्ड, यहां भी सेटिस्फाइड की जगह हो जाएगा प्लीज्ड, हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग, आवाज जा रही है ना? यस सर। यहाँ पर है ही प्लीज्ड मी, जो कि ही एक लिविंग थिंग है, है? यस सर। यस सर। हिज वर्क प्लीज्ड मी, यहाँ पर ये एक नॉन लिविंग है। तो अब नियम क्या आता है कि अगर आपका, इसके पहले हम लोग सेटिस्फाइड का देखे थे, सेटिस्फाइड वाले केस में हम लोगों ने देखा था कि लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, दोनों ही केस में प्रीपोजिशन यूज किया जाता है विथ, लेकिन प्लीज्ड के केस में चेंज हो जाता है, प्लीज्ड के साथ एट भी यूज किया जाता है और प्लीज्ड के साथ विथ का भी यूज करते हैं। अगर नॉन लिविंग हो तो प्लीज्ड एट नॉन लिविंग, और विथ लिविंग के लिए यूज किया जाता है, समझे? प्लीज्ड का यू, प्लीज्ड के साथ दो प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, एक एट और दूसरा विथ। अगर नॉन लिविंग हो तो उसके पहले एट लगाना है, अगर लिविंग हो तो उसके साथ विथ लगाना है। अब इस सेंटेंस को जब पैसिव बनाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, डैश डैश हिम हो जाएगा, और यहाँ पर डैश डैश हिज वर्क हो जाएगा, हो जाएगा ना। देखिए पैसिव, ये है हमारा पैसिव, ये पैसिव है, यहाँ ये पैसिव है, I was pleased dash him, I was pleased dash his work। अब हम देख सकते हैं कि एक जगह हमारा ऑब्जेक्ट है him और दूसरे जगह हमारा ऑब्जेक्ट है his work। अब आपको क्या लगता है, him जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है?
लिविंग 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 तो अगर लिविंग हो तो क्या लगाते हैं एट या विथ 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 यानी यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा विथ और ये हिज वर्क यानी कि ये एक नॉन लिविंग है तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा एट क्या समझे कि सेटिस्फाई के केस में लिविंग हो नॉन लिविंग हो दोनों ही केस में विथ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है लेकिन अगर हमारा वर्ब प्लीज्ड हो तो लिविंग होने पर विथ और नॉन लिविंग होने पर एट नोट कीजिए एक मिनट नाइन्थ और टेंथ में साइंस का क्लास आज सस्पेंडेड है नहीं होगा ठीक है कल से क्लास होगा आवाज सुन लिया आप लोग यस सर यस हाँ ठीक है ये नोट कर लिए यस सर